सो गाइस यहाँ पर हम बात करें हमारे घर पे यूज होने वाले सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, तो यहाँ पर दोस्तों इन इक्विपमेंट को हमको बंद करना हो तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जाते हैं हमारे घर पे लगे हुए इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास जहाँ पर इन इक्विपमेंट का प्लग लगा होता है और वहाँ पर जाकर उसकी जो मेन स्विच होती है उसको हम बंद कर देते हैं और हमारा इक्विपमेंट यहाँ पर बंद हो जाता है, उसकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें कंप्यूटर के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने को वैसे आपको पता ही होगा कि जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमको जाना पड़ता है स्टार्ट बटन के ऊपर, वहाँ पर हम शट डाउन सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको ऑप्शन आते हैं रीस्टार्ट शट डाउन वगैरह और उसके बाद दोस्तों फिर आप उसको शट डाउन करते हैं, मतलब कि बंद करते हैं। तो दोस्तों बाकी सारे इक्विपमेंट्स की तरह हम कंप्यूटर के क्यों डायरेक्टली मतलब पावर जो स्विच होती है उससे बंद क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे लोग करते भी होंगे डायरेक्टली, भाई कौन यहाँ पे टाइम लगाए वेट करे शट डाउन होने का, डायरेक्टली प्लग निकालो या फिर स्विच को बंद करो और कंप्यूटर को शट डाउन करो। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं करते हैं, और यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या इससे कुछ हमको नुकसान होंगे, और नुकसान होंगे तो क्या नुकसान हमको देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए, और साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइस यहाँ पर वीडियो मांगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे दोनों सिनेरियो की, जहाँ पर दोस्तों एक केसेस हम लेंगे जहाँ पर हम कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करेंगे और दूसरे केस में हम कंप्यूटर को डायरेक्टली यहाँ पर पावर ऑफ करेंगे। तो दोनों केसेस में आकर होता क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हम कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करते हैं तो तब क्या होता है। दोस्तों जब कभी हम कंप्यूटर के ऊपर कोई वर्क कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली कोई एप्लीकेशन वगैरह पर कोई काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सपोज हम मान लेते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एमएस वर्ड के ऊपर कोई फाइल यहाँ पर हम बना रहे हैं, किसी फाइल पर काम कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर इस केसेस में यदि हम कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या होगा, जब भी हम कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करेंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी हमारे सामने वर्क कर चल रहा है, मेन जो फोरग्राउंड पर वर्क चल रहा है, तो उसको सबसे पहले बंद किया जाता है। जैसे कि हम एमएस वर्ड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर हमको बोलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्योंकि शट डाउन होने वाला है तो आपको फाइल सेव करनी है कि नहीं करनी है, तो यहाँ पर हमको एक पॉपअप आता है। फिर फाइल को सेव करने के बाद फिर हमारी फाइल सेव हो जाती है, और उसके बाद दोस्तों जो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात काम कर रहे हैं, मतलब कि एमएस वर्ड के ऊपर काम कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्लोज होता है। उसके बाद फिर कंप्यूटर क्या करता है कि वन बाय वन उसके बैकग्राउंड में जितनी प्रोसेस चल रही है उन सभी को बंद करता है। अब आप सोचेंगे कि बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड में काफ़ी सारी प्रोसेस हो सकती हैं। लाइक यहाँ पर हम सिंपली बात करें कि मान लो आपके कंप्यूटर में एक एंटीवायरस है, तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई किसी ड्राइव को स्कैन कर रहा हो, किसी भी डिस्क को स्कैन कर रहा हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप किसी ब्राउजर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उसमें कोई आपने डाउनलोडिंग लगा के रखी हो तो कोई चीज़ डाउनलोड हो रही हो, हो सकता है यहाँ पर कोई एप्लीकेशन वगैरह ऑटो अपडेट हो रहा हो। तो ऐसी बहुत सारे दोस्तों हमने क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे तो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों मोस्टली एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं। तो जब यदि हम कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले फोरग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको बंद करता है, फिर वन बाय वन जितने बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उनको बंद करता है। और गाइस फिर इसके बाद कंप्यूटर क्या करता है कि उसके सारे एप्लीकेशन वगैरह को बंद करने के बाद, सारा डेटा वगैरह सेव करने के बाद, सारी फाइल सेव करने के बाद, फिर कंप्यूटर क्या करता है यहाँ पर बंद होता है, अपने हार्डवेयर को कमांड देता है जिससे हार्डवेयर भी वन बाय वन सारा सिस्टम बंद हो जाता है। तो ये दोस्तों प्रॉपरली प्रोसेस होती है कंप्यूटर के बंद होने की। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम सेम टास्क लेते हैं कि हम एमएस वर्ड के ऊपर कोई फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और सेम जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे बैकग्राउंड में सारे वर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों यदि हम क्या करें कि कंप्यूटर का जो मेन स्विच है उसको बंद कर दें और जो मेन पावर प्लग है उसको निकाल दें, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं उन एप्लीकेशंस को ये नहीं पता कि अभी पावर कट होने वाला है, तो दोस्तों वो एप्लीकेशन प्रॉपरली नॉर्मली तरीके से सारी वर्क कर रही हैं, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर उनको पावर सप्लाई मिलना बंद होती है तो वो सारी एप्लीकेशंस वहाँ पर एकदम से बंद हो जाती हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जो भी हम फोरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोज कोई फाइल हम बना रहे हैं तो वो सेव नहीं हो पाई तो वहाँ पर सेव नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों और मतलब एंटीवायरस वगैरह है तो वो भी किसी मतलब किसी फाइल वगैरह को या डिस्क वगैरह को स्कैन कर रहे हैं तो वो चीज़ वहीं पर रुक जाएगी, मतलब कि जो भी फाइल्स वगैरह हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो सारी सेव नहीं हो पाएंगी और वो करप्ट भी हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये हुई कि आपकी फाइल्स वगैरह करप्ट हो
हो सकती है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों वो एप्लीकेशन, कि जो एप्लीकेशन उस फाइल के ऊपर काम कर रहा है, लाइक स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर MS Word जो है उसके ऊपर एक फाइल बन रही थी, तो यहाँ पर दोस्तों MS Word भी करप्ट हो सकता है। एंटीवायरस किसी फाइल को स्कैन कर रहा था तो एंटीवायरस भी करप्ट हो सकता है। तो जो दोस्तों सेकेंड चीज़ हुई यहाँ पर दोस्तों, एक चीज़ और रहती कि मान लो हम बैकग्राउंड में कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं और अचानक से यहाँ पर पावर कट हो जाए तो कुछ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो डाउनलोडेड हुई फाइल है वो भी यहाँ पर करप्ट हो सकती है, साथ ही साथ जो ब्राउजर है वो भी, क्योंकि बैकग्राउंड में वर्क कर रहा था तो वो भी करप्ट हो सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें करप्ट हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और निकल के आती है कि ये जो सारी फाइल्स हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन से कहाँ पर स्टोर है, ये स्टोर है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क को भी नुकसान हो सकता है यदि अचानक से पावर सप्लाई कट हो जाए तो। और इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस केसेस में तो मतलब हमारा कंप्यूटर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो होती है अपने विंडोज़ के अपडेट की। यदि दोस्तों मान लो कि आप अपने कंप्यूटर का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पर वो अपडेटिंग का काम चल रहा है और बीच में पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों मोस्ट ऑफ केसेस है कि आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो जाए। तो इस केसेस में दोस्तों क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ एरर्स देखने को मिलेंगी, लाइक यहाँ पर ब्लू स्क्रीन एरर आती है वो देखने को मिल सकती है, आपका कंप्यूटर हो सकता है चालू ही ना हो, क्योंकि दोस्तों इस केसेस में क्या होता है कि विंडो अपडेट हो रहा था और पावर सप्लाई कट हो गई, तो यहाँ पर उससे कुछ फाइल वगैरह मिसिंग हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्रैश हो जाता है। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए या फिर उसको डायरेक्टली स्विच ऑफ करके या फिर प्लग को बाहर निकाल के बंद करना चाहिए। मैंने आपको दोनों ही सिनेरियो बता दिए और बता दिया कि कौन सा सिनेरियो पर सही रहेगा। डेफिनेटली दोस्तों आप लोग समझ ही गए हो कि हमको कंप्यूटर को हमेशा प्रॉपरली जो उसकी मेथड है उसी को फॉलो करते हुए उसको शट डाउन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जोर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ कर दीजिए, साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूं दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।